तो है व्हाट्सअप फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे हो भाई लोग। और कई लोग मतलब पिछले वाले व्लॉग्स में कमेंट कर रहे थे कि भाई इस वाले व्लॉग का कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ उस वाले व्लॉग में मतलब कुछ भी मैं मतलब स्टोरी लाइनिंग उसमें इतनी बेकार थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने खुद देखा तो मुझे भी एक टाइम पर कुछ समझ में नहीं आया, तो यार अब मैं उसे हटा तो नहीं सकता, तो यार थोड़ा सा झेल लो यार, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलो फिर आज, तो यार मैं इसलिए आज ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे गणेश जी का आखिरी दिन है, लास्ट डे है, और आज विसर्जन भी है उनका। तो भाई मतलब बोलते हैं ना कि यार फर्स्ट डे जब गणेश जी को लाओ ना तो अलग ही मतलब खुशी होती है, और ऐसा लगता है घर में एक नया मेंबर आ रहा है अपने, और मतलब वो अपने घर का 3-4 दिनों में ही अपने ही घर का पार्ट बन जाता है भाई वो। और मतलब अपने मन की बातें आप उनसे बोल सकते हो, और ऐसा भी लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है सामने। और जब वो जाते हैं ना तो यार मतलब ऐसा लगता है कि यार घर से मतलब खुशियां जा रही हैं अपनी। तो चलो कोई बात नहीं यार, मुझे भी मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था यार कि गणेश जी से इतनी बातें करनी थी, और मतलब आधे टाइम तो मैं था भी नहीं यहाँ पर, और यार आधा टाइम निकल गया, मुझे इतनी मतलब कुछ कहना था उनसे। तो चलो कोई नहीं, अगली साल फिर आएंगे गणेश जी। तो आज आपको दिखाता हूँ भाई मतलब आखिरी दिन कैसा लग रहा है, अलग ही मतलब फर्स्ट डे पे जो चमक रहती है ना तो वो आखिरी दिन पे आते आते मतलब पूरी निकल जाती है यार। ये मतलब फैक्ट बात है, इसको ना किसी साइंस प्रूफ कर सकता है, ये केवल मतलब जो मानते हैं यार वो ही जानते हैं यार इस चीज़ को, सीधा बोल सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। तो भाई आप मतलब देख सकते हो यार मतलब अलग ही थोड़ी मतलब कहते हैं ना आखिरी दिन पे मतलब जो दुख लगता है ना तो वो अलग दिखता है भाई। मतलब आपको भी मतलब आपको शायद दिख रहा हो या नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मतलब गणेश जी भी बहुत उदास है, मतलब आज उन्हें जाना पड़ रहा है, और ये छोटू सी गणेश जी भी, और मतलब ये पूरी मैंने डेकोरेशन की थी यहाँ, पूरे बलून्स वगैरह लगाए हुए थे पर अब भी वो सब निकल गए यार। तो चलो आज आखिरी दिन है यार गणेश जी का, तो चलो पप्पा से तो हम लोग यही कहेंगे कि यार जल्दी से आप अगली साल जल्दी आना भाई, और हम लोगों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, और बस इतना आशीर्वाद दे के जाना कि यार मतलब जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है उसमें मैं बस सक्सेस अच्छे से पालूँ यार, और मतलब उसमें सक्सेस मिले मुझे। अब ये पता नहीं कैमरा बीच में ब्लर क्यों होने लगता है। तो चलो यार आज आपको विसर्जन भी दिखाऊँगा पूरा मैं। तो चलो फिर आज आपको मैं विसर्जन वगैरह भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा यार पूरा कैसा चल रहा है आज, और जो भी होगा मैं व्लॉग करता रहूँगा, और अब कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे। बहुत डिले हो गया, मैंने बहुत गैप दे दिया, अब कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे। जो मैंने एस्टिमेट किया था कि भाई 60 डेज़ के व्लॉग करने तो वो तो पूरा नहीं हो पाया, पर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉगिंग का। तो भले ही कुछ इंटरेस्टिंग ना हो पाए डेली व्लॉगिंग में, पर मैं करूँगा यार, अब मैंने ये सोच लिया है, क्योंकि जितना आप मतलब छोड़ते जाओगे किसी चीज़ को उतना ही वो छूटती जाती है। यही सेम स्टडीज़ के साथ भी होता है, जितना आप मतलब आज के काम को अगर कल पे डालते जाओगे उतना ही वो कल का काम भी आपको फिर वर्डन लगता लगने लगता है भाई। तो चलो फिर जो भी होगा भाई आपको बताता रहूँगा, और बहुत सी चीज़ें बोलनी थी आपसे। और हाँ अभी इसकी जिससे मैं न्यू ट्राइपॉड लिया इसकी भी मैंने मतलब कोई भी वीडियो नहीं बनाई हुई है। चलो इसका एक नया कमाल दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई ये एडजस्टमेंट करने का भी है भाई इसमें, और ये अपना आ गया एक सेकेंड। तो ये बन गया अपना नया, एक नया पोज से आप व्लॉग कर सकते हो उससे। तुम इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, मैं व्लॉग में ही कवर करूँगा क्योंकि उसकी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं अलग से, या फिर वो दूसरी कैटेगरी में चला जाता है और खाम का अपने चैनल की नीच बिगड़ जाएगी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो चलो, और भाई कुछ लोग यार मतलब वीडियो जब अपलोड होती है तुरंत उसको नहीं देखते यार, अगर आप लोग उसको तुरंत देख लोगे तो यार मतलब वो एक तरीके से जिस टॉपिक पर मैंने बनाई हुई है या जिस भी हैशटैग पर उसे चला रहा हूँ तो उस पर वो सेट हो जाती जाके, जिससे वो और ऊपर अपग्रेड होगी भाई। तो प्लीज़ कोशिश ये किया करो कि आपको जब भी मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड हो और ये आप तुरंत जाके देख लो। हाँ मुझे पता है मेरा टाइम भी फिक्स नहीं है अपलोड करने का, तो अब मैं एक टाइम फिक्स करूँगा कि सुबह 10 बजे जो मैंने बनाया हुआ था उस पर वीडियो आ जाएगी और आपको मिल जाएगी, बस आप लोग देख लेना यार उसको। तो चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, और मैं आपको बताता रहूँगा व्लॉग करते हुए। लेट्स गो। 1 hour later
तो अभी तो भाई फिलहाल आखिरी आरती हो रही है गणेश जी की, तो आप भी इंजॉय करना यार और मैं भी इंजॉय करूँगा। तो चलो आखिरी बार गणेश जी की आरती करते हैं और फिर उन्हें विसर्जित करने के लिए चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल भाई पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और अब चलो पप्पा को उठाते हैं और फिर लेके चलते हैं विसर्जन के लिए। और वहाँ भीड़ वगैरह बहुत होगी इसलिए मैंने माइक रख दिया है, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े गणेश जी रखे हुए थे हमारे यहाँ पर। तो आपको अगर दिखेंगे मुझे वहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और चलो फिर चलते हैं। तो भाई अभी गणेश जी को यहाँ पर रख लिया है और यहाँ पे अभी बड़े गणेश जी को एक सिरवा दिया है। देखो ये लकड़ी दिख रही होगी उनकी। यहाँ पुलिस वगैरह भी लगी क्योंकि पास में जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डेंजर है यार अभी, क्योंकि इतनी देखो कितना सारा खदी वगैरह हो चुकी है तालाब में, जो पूरी पुलिस लगी हुई है पूरे में यार। अभी सफाई नहीं हो रही है तालाब में। और आपने मेरी एक पुराने वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि हाँ हटो चलो एक फोटो खींचे। और देखो बच्चे लोग बैठे हैं पैसे के चक्कर में, जैसे ही चढ़ोतरी चढ़ेगी वो बस। इस टाइम भाई व्यू बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ का, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है भाई। गणेश जी आ रहे हैं कितने सारे। ये छोटू सी गणेश जी, मैंने एक पुराना वाला व्लॉग बनाया था भाई, ऊपर से दिखाया था आपको, अभी ये पूरा नीचे से भाई इतनी गंदगी हो गई है। चलो वो तो साफ हो ही जाएगी फिर बाद में। और ठीक है को टीका लगेगा, देखा चलो। अभी तो फिलहाल यार भगवान जी को विसर्जित हो चुके हैं, देखो वहां पे बबल्स दिख रहे होंगे। यही यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि गणेश जी के दिन तो भाई भीड़ कम हो ही नहीं सकती। सिक्योरिटी की प्रॉपर पूरी मतलब इंतजाम किया है भाई गवर्नमेंट ने। ये देखो ये पुलिस वाले ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब प्रॉपर भाई, मतलब पूरी सिक्योरिटी है, कोई कुछ नहीं हो सकता।
कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये पंडित जी हैं जो टीका लगा रहे हैं सबको। आज के दिन भाई यार कितने प्यारे लग रहे हैं शंकर जी। इवांका फुल डांस वगैरह चल रहा है यार, कहीं के बड़े गणेश जी आ रहे होंगे शायद इसलिए इतना अच्छा न किया। ओ अरे किसी और के गणेश जी आ रहे हैं छोटे से। तो चलो भाई फाइनली गणेश जी का विसर्जन अच्छे से हो चुका है और ये आपको थबड़ा तलक दिख ही रहा होगा। ये जब हम लोग शंकर भगवान जी के मंदिर गए वहाँ पर पंडित जी ने लगा दिया, तो इसका भी बहुत अच्छा सा मैंने फ़ोटोज़ खींचे हैं। आप अभी तक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाया तो प्लीज़ पिछले वाले व्लॉग्स में जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मेरे लिए। और भाई अब तो ये गणेश जी का के बिना तो ये बिल्कुल ही सूना लग रहा है मंदिर यार। तो मानो ना मानो यार, जो मानता है तो वो मानता ही है उस बात को। चलो अगली बार देखेंगे यार, पिछली बार मैं व्लॉग नहीं करा क्योंकि उस बार बहुत बड़े गणेश जी रखे हुए थे। तो चलो फिर इस वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है। अगर भाई आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो यार, क्योंकि कुछ लोग भाई वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिस क्योंकि आप लोगों की ही वजह से मेरी चार चार वीडियो वायरल हुई थी। और इसी तरह आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते रहोगे तो आगे भी होती रहेंगी। तो चलो मिलता हूँ फिर ऐसी किसी लंबी सी वीडियो में। लेट्स गो।